इंस्पायर करते हैं, यानी प्लांट भी रेस्पिरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इस दुनिया में अर्थ के ऊपर दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम लिए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट भी रिस्पायर करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है बड़ी सिंपल होती है, जितने कॉम्प्लिकेटेड हमारे अंदर होती है एनिमल्स के अंदर, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम जो हम है हमारे अंदर होती है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस प्लांट्स में नहीं होती रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स के अंदर वो होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के बेस पे, जो मैकेनिज्म चलती है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है उधर की तरफ फ्लो होगी। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है बिटवीन द प्लांट सेल एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट, बिटवीन द प्लांट सेल एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट। प्लांट के पास रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा होता है, लेंटिसेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर एयर स्पेस होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है बाय अ मैकेनिज्म नोन एज डिफ्यूजन। याद रखना, बाय अ मैकेनिज्म नोन एज डिफ्यूजन। इन सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट, सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट किनको कहा गया, जो दलदली इलाके में ग्रो करते हैं या पानी के अंदर ग्रो करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनके अंदर कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस। ये मेन चीजें अंडरलाइन करो, इन पे ध्यान देते जाना। सोमेटा जो होता है जब ओपन होता है तब हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, क्लोज के टाइम पे नहीं करता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर, रूट हेयर्स एंड लेंटिसेल एंड स्टोमेटा के थ्रू। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं रूट हेयर एंड लेंटिसेल्स की। लेंटिसेल एक्चुअली है क्या, रूट हेयर्स तो आप सभी जानते हो, ये प्लांट है इसके नीचे ये रूट्स है, रूट्स हेयर्स है, छोटे 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 धागे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, ये मदद करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। दूसरा लेंटिसेल्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस मदद करते हैं। ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं, वुडी प्लांट्स में, जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें कौन सी मैकेनिज्म चलती है, डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन में, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की का है एनवायरमेंट में, और लो कंसंट्रेशन का है मिट्टी के अंदर, जो ऑक्सीजन है आउटसाइड द सोइल पार्टिकल डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाहर से किधर जाएगी, सोइल पार्टिकल के अंदर जाएगी, और सोइल पार्टिकल उसको किसको दे देंगे, रूट हेयर्स को दे देंगे। CO2 इसका उल्टा हो जाएगा, CO2 बाहर निकलेगी। ओके, पर एक चीज और होती है आपको, सर मान लो पानी भर जाता है पौधा मर जाता है, जब पानी भर जाता है तो पानी क्या कर देता है, ऑक्सीजन को कट कर देता है। आपको पानी के अंदर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है सर, फिशेज भी तो रिस्पायर करती है, पर फिशेज लिक्विड ऑक्सीजन को रिस्पायर करती है, और प्लांट्स और एनिमल्स कौन सी गैसेस को रिस्पायर करते हैं। दैट्स व्हाई जो वाटर लॉग्ड एरिया है वहां पे जो मिट्टी है, मिट्टी रिस्पायर नहीं कर पाती। ठीक है, जब मिट्टी रिस्पायर ही नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन रूट हेयर्स तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब रूट हेयर्स तक नहीं पहुंच पाएगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा आ गए स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा क्या होता है, इसे टाइनी ओपनिंग फाउंड इन दी लीफ सरफेस, लीफ के जो फ्रंट साइड ऊपर हो गया, ये बैक साइड जो होता है इसके नीचे हमें क्या मिलता है स्टोमेटा, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो लीफ सरफेस में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, और छोटी छोटी ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसमें अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होती है। तो ये ओपन कैसे होता है, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ये भी बात मैं पहले भी कर चुका हूं। तो जैसे स्टोमेटा ओपन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या लगती है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में है, तो एनवायरमेंट में उसको क्या करेगी, जो स्टोमेटल ओपनिंग है, जो स्टोमेटल ओपनिंग है उसको अंदर खींच लेगी, और CO2 को कहां कर देगी, डिफ्यूज आउट। कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है। ठीक है, तो ऑन द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, वो एंश्योर करते हैं कि सारी की सारी सेल्स कॉन्टेक्ट है विद एयर और एनवायरमेंट के साथ, ये सारे के सारे एंश्योर करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होने जरूरी है, तभी जाके ये एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं। एयर के कॉन्टेक्ट में आके ये डिफ्यूजन मैकेनिज्म के बेस पे क्या करते हैं, एयर को डिफ्यूज कर लेते हैं अपने अंदर और CO2 को बाहर करते हैं। यहाँ पे दो एक्टिविटी चलती है, कुछ कंडीशन जरूरी है, डे के अंदर और नाइट के अंदर।
डे में जैसे सन प्रेजेंट होता है तो सन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बढ़ाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है, जो CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज हुई है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज हो रही है यहाँ CO2, जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिलीज हुई है नाइट में, ठीक है, उस CO2 को यूज कर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल के तौर पर वाटर यहां से आ जाता है और क्या बना लेता है, स्टार्च अपने लिए खाना बना लेता है, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो बच गई, ठीक है, उसको कहां रिलीज कर देगा, एनवायरमेंट में, ठीक है। नाइट की बात करते हैं तो नाइट में मून होता है, यहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, एज सन इज नॉट प्रेजेंट, लाइट इज नॉट प्रेजेंट, तो यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और CO2 रिलीज होती है एज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ये बात याद रखना। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है डे में और नाइट में, जो अभी हमने समझा जरा उसको समझ लेते हैं। डे के अंदर CO2 यूज होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और नाइट में CO2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है फॉर रेस्पिरेशन। यहां पे क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूं फोटोसिंथेसिस, डे में क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और रात में क्या हो रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कंबस्टन ऑफ फूड, दिन में खाना बनाएंगे, रात को खाने को थोड़ेंगे सिंपलर यूनिट के अंदर और यूज करेंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो हमने बात की। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।